16 दिसंबर की ईश्वरवरदान में आप सबका स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि सोच समझ करके आगे पीछे देख करके कर्म करो या काम करो या अपने कार्य करो। ये कहावत दुनिया में भी बहुत प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि भैया आगे पीछे देख करके सोच के बोलना, सोच के बोलना, है ना। आगे पीछे का देख करके कहने का अर्थ क्या है? अगर हमें पता है कि हम जो भी करने वाले हैं या जो करना था उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो इसका मतलब हमने आगे पीछे सोच करके नहीं बोला। आगे पीछे, पीछे मतलब क्या है? उन लोगों की सोच कैसी है जिनके साथ में हम कुछ अपना प्रस्ताव रखने वाले हैं, उनकी वृत्ति कैसी है, और वही वृत्ति को हमें अगर चेंज करना है तो उनके साथ में कैसे हम बोले सोचे ताकि हम उनको उधर तक लेके आ पाए। आपने उनको सोचा होगा कि आप ऐसे चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पड़ाव कहाँ आता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, ब्लॉकेजेस कहाँ आते हैं? क्योंकि हम हर किसी से हर प्रकार से बात नहीं कर सकते, हर लेवल पे बात नहीं कर सकते। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी इंटेलेक्ट होती है, अपनी बुद्धि होती है, हर एक की समझ अपनी होती है। तभी आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट के 12 फॉलोअर्स थे, 1000 फॉलोअर्स नहीं थे, 12 के साथ में जो बात करते थे 12 लोग आगे बोलते थे। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी में ब्रह्मा बाबा के भी स्टार्टिंग में कुछ जो चुने समझदार बच्चे थे, फिर उन्होंने आगे लोगों को बताया। उसी तरीके से अगर आप देखें जितने भी महान ऋषि हो चुके हैं, गौतम बुद्धा भी हैं, उनके भी फॉलोअर्स थे कुछ स्टार्टिंग में, उन्हीं चुने आत्माओं को बता पाए क्योंकि उनकी बुद्धि उनकी बातों को समझ पाती थी। वही चीज अगर वो किसी और को बता देते बिना सोचे समझे, बिना उनके आगे पीछे देखते हुए, तो फिर मुश्किल हो जाती। तो किसी के कर्मों का आगे पीछे देखना, किसी की वृत्ति एटीट्यूड को आगे पीछे देख करके, किसी की कैपेसिटी को आगे पीछे देख करके बोलना ही समझदारी है। और सिचुएशंस को देखकर भी, पहले सिचुएशन क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, वो समझ करके फिर उस सिचुएशन को ठीक कैसे करना है वो सोच करके। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी को बताने की कोशिश करते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया आपने, और फिर हम क्या करते हैं, उस आत्मा की शक्ति नहीं होती वो सहन करने की, और उस आत्मा को हम गिरा देते हैं ज्यादा, और हम सोचते हैं कि उसको हम गलतियां दिखा करके उसको हम आगे सिचुएशन को ठीक करवा लेंगे। नहीं, उस सिचुएशन को खराब होने का कारण ये नहीं कि उनकी गलतियां थी, लेकिन ये है कि उनकी समझ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। गलती उनकी नहीं है, समझ में प्रॉब्लम है। तो हमें उनको गलत नहीं ठहराना है, उनको हमें सही दिशा दिखानी है। तो आगे पीछे देख करके, बहुत गहरी बात है ये। तो देखें परमात्मा क्या कहते हैं इसके बारे में। परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा, डिवाइन बुद्धि तभी हो सकती है जब आपके अंदर कोई मलिच ना हो, आपके अंदर कोई अहंकार ना हो, मैनिपुलेशन करने की इच्छा ना हो, कुछ हासिल करने की इच्छा ना हो अपने लिए सिर्फ, या मैं ही आगे बढ़ू या मेरा ही आगे सब कुछ अच्छा हो, आजू बाजू वाले जो वर्ड कहते हैं ना आजकल दुनिया में। तो दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले, त्रिकालदर्शी मतलब कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। मैंने अगर उसको ये कहा तो ये कैसे ले सकता है इस बात को, ये सिचुएशन मैंने ऐसे किया तो ये सिचुएशन आगे कैसे हो सकती है, ये हो गया त्रिकालदर्शी। तो पास्ट में ऐसे हुआ, अभी मुझे क्या करना है ताकि फ्यूचर ऐसा हो जाए का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भवा, ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। ये दिव्य बुद्धि तब मिलती है जब हमें पता चल जाता कि आगे फ्यूचर में परमात्मा का क्या प्लान है, पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या करना चाहिए मुझे ताकि उस प्लान के साथ में मैं सिंक्रोनाइज कर पाऊं अपने को, उसके साथ में मैं अपने संस्कारों को मिला पाऊं या अपनी सोच को मिला पाऊं। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, परमात्मा को, बाप कौन हुए, बाप शरीर के बाप नहीं हुए, बाप कहते समय हम कहते हैं कि वो आध्यात्म के बाप हुए, ज्ञान के बाप हुए, गुणों के बाप हुए, शक्तियों के बाप हुए। जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इसका मतलब वो नहीं कि उन्होंने मैथमेटिक्स को पैदा किया शरीर से, नहीं, बल्कि वो क्या है, ज्ञान के। इसी तरह परमात्मा भी क्या है, ज्ञान के पिता है। अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो अगर बिल्कुल प्योर हो इंटेलेक्ट। अगर किसी के प्रति आपकी इंटेलेक्ट ही गलत है, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, इसकी बुद्धि ऐसी है, ये कभी टाइम भी नहीं आ सकता, ये कभी कुछ कर नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आप उसको और गिरा रहे हो, और आपका फ्यूचर भी उसके हिसाब से क्या होगा, त्रिकालदर्शी। तो परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। तो प्योर जब इंटेलेक्ट है हमारी, कोई आत्मा हमें खींच नहीं रही, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपको उस दिन परमात्मा याद नहीं आएगा, वो व्यक्ति ज्यादा याद आएगा क्योंकि आपकी बुद्धि पवित्र नहीं रही। तो जब पवित्र बुद्धि हो जाती है, हमारा किसी के प्रति कुछ गलत सोच नहीं होती है,
घृणा नहीं होती है, नफरत नहीं होती किसी चीज से या किसी व्यक्ति से उसके अवगुण देख करके, तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या होता है, परमात्मा से कनेक्शन बन जाता है आसानी। ये प्रैक्टिस करनी है, अपने आपको बार बार समझाना अपने मन को कि ऐसा मत देखो, ऐसा मत सोचो, है ना, क्योंकि परमात्मा फिर बुद्धि से उड़ जाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं कि आप तब शक्ति अमृत से ले सकते हो, दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। प्योर इंटेलेक्ट क्या होती है, प्योर इंटेलेक्ट की वजह से कहते हैं ना कि आपकी छठी इंद्री खुल गई, मतलब आपकी सिक्स सेंस खुल गई आपकी। अगर इन आंखों से हम किसी की बुराई देखते हैं, इन इस मुख से किसी की बुराई करते हैं, इस कानों से किसी की बुराई सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा इन कर्म इंद्रियों से इंगेज हो जाती है, तो उसकी छठी इंद्री जो है आत्मा वो खुल नहीं पाती, मतलब कि वो चीजों को भाप नहीं पाती, उसका छठी इंद्री खुल नहीं पाती, वो व्यक्ति के भावनाओं को समझ नहीं पाती है, वो व्यक्ति को जैसा है जो दिखता है वैसी समझती है। और आज दुनिया जो दिखता है वैसी समझने के कारण क्या होता है, धोखे में आ जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं, उनको पता होता है कि इस व्यक्ति के साथ में ये हो सकता है, मेरे साथ में ऐसा किया था मैंने पास्ट में, तो अभी मुझे ये फेस करना पड़ेगा उस कर्मों का फल, और उस कर्मों के फल को फेस करके मुझे अब चेंज करके आगे के फल जो है उसको सुधारना पड़ेगा। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो, परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। कि मुझे ये परिणाम चाहिए, उसके लिए मुझे करना क्या है, कैसे कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ में, जो जो सिचुएशन आएंगी उसमें मुझे कैसे कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, ये समझ परमात्मा हमें ब्रह्म कुमारी इसमें देते हैं। आप भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरीडे बेसिस पे। इसके साथ ओम शांति।